मर्जी है आपका। बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिसेस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको एक एक लगभग एक वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो मान्य मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कैबिनेट बनाए, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि काम है, वो कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी ज़रूरत थी डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा।